दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ जो घंटी का आइकन दिख रहा है इसको भी इनेबल कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं। सो बी द फर्स्ट वन टू वॉच माय फ्यूचर वीडियोस। दोस्तों आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर पिक्चर कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको देखनी होगी ये वीडियो। इंस्टाग्राम ने मोबाइल के लिए ये फीचर लॉन्च किया है कि आप अपने मोबाइल के वेब ब्राउजर से पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं, पर ऑब्वियसली आप अपने वेब ब्राउजर पे ये काम नहीं कर सकते। तो अपने वेब ब्राउजर पे ये काम करने के लिए आपको एक छोटी सी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी या आप अपने खुद भी सर्च कर सकते हैं क्रोम वेब स्टोर पर। तो आपने क्रोम वेब स्टोर पर जाना है और क्रोम वेब स्टोर पर जाने के बाद आपने यूज़र एजेंट स्विच फॉर क्रोम आपने ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। तो ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद आप जब इस एक्सटेंशन को आप ऐड कर लेंगे अपने क्रोम पे, तो आपने अपने इंस्टाग्राम के आईडी में लॉगिन होना है और इस स्विच पे क्लिक करना है। तो इस एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगी। आपने एंड्रॉयड या आईओएस दोनों में से एक क्लिक करना है। तो मैं एंड्रॉयड सेलेक्ट करूँगा और एंड्रॉयड में जो आगे भी ऑप्शन आएगी वो आपने सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अगर जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पे रीलोड होगा और पे रीलोड होने के बाद आप ये यहाँ पे ये आइकॉन देख सकते हैं कि पोस्ट अप पिक्चर की आपको ऑप्शन आ गई है। तो आप यहाँ से आप जाएं और यहाँ से आप अपनी कोई भी एक पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं रैंडमली कोई भी एक पिक्चर पोस्ट करूँगा और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दूँगा और शेयर पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं मेरी पिक्चर यहाँ से अपलोड भी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप योर फोटो हैज बीन शेयर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये ट्रिक आपको पसंद आई हो। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।